हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर को कवर करूंगा, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जैसे SSC, बैंकिंग, CCC, नेट, PRT, यूपी पुलिस, कंप्यूटर ऑपरेटर, अन्य वेरियस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है BCD इज, तो BCD का पूरा नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे BCD का होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यहाँ देख सकते हो बाइनरी कोडेड डेसिमल, यहाँ पे बिट नहीं हो सकता और बाइनरी कोडेड डिजिट नहीं होगा, और यहाँ पर कोडेड डिजिट नहीं हो करके यहाँ पे आंसर होगा इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल। दूसरा क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी ये अमेरिकन से रिलेटेड है, स्टैंडर्ड कोड होता है इसका। नाम होता है इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड। यहाँ देख सकते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड ढूंढेंगे, देखो यहाँ लिखा है अमेरिकन स्टैंडर्ड, और होता है यहाँ पे कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ देखना है तो देख लो, ये ऑप्शन होगा सी। लिखा है कंप्यूटर स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखा है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, यानी फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखो ये थर्ड जनरेशन का है, और ये फर्स्ट जनरेशन का है, और ये ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन का है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है EEPROM रोम, ये रोम का तीसरा टाइप है, और इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका पहला यानी ऑप्शन ए सही होगा, अब हम इसको ऑप्शन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो अभी देखो करंट में जो चल रहा है फोर्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन भी माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो फर्स्ट जनरेशन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर बाय। तो यहाँ आप देख सकते हो जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है उसको किस चीज में मापा जाता है वो पूछ रहा है। लिखा है डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आंसर ये होगा डॉट पर इंच। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, किस डिवाइस के माध्यम से हम किसी भी जो टेक्स्ट वाले इमेज होते हैं उनको एक्सेस करते हैं। तो उनका डिवाइस होता है, नाम है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो ये जो OMR है, OMR का यूज हम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, और जो MICR होता है ये बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है और ऑफिस में। अब ये देखो टेस्ट नंबर टू का पहला क्वेश्चन है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ। देखो ब्लूटूथ क्या होता है, वायरलेस, सिंपल सी बात है, लैंडलाइन हो नहीं सकता, तो सिंगल ट्रांसमिशन नहीं है, और यहाँ पे सैटेलाइट रिलेटेड नहीं है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। देखो टैप ड्राइव भी होता है, DVD होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। देखो ये सिलिकॉन का बना होता है, क्रोमियम का नहीं बना हो सकता, सिल्वर, लीड, ये ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर है सिलिकॉन, आईसी थर्ड जनरेशन का मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। देखो यूनिक्स नहीं है, विंडोज नहीं है, यूबुंटू नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 5 है OS इन कंप्यूटर सिस्टम मीन्स, OS का अर्थ क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा सी। नीचे लिखा है 6, देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है .mov एक्सटेंशन रेफर टू वर्ड फाइल। देखो वर्ड फाइल का होता है .doc,
टेक्स्ट फाइल का होता है .txt, इमेज फाइल अलग अलग होता है जैसे .jpg, bmp, png, gif, ये इसमें आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, अपने अपने फोन में भी देखते हो .mov फाइल में दिखता है, ये मूवी फाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है .mpg, ये mp4 फाइल के लिए होता है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा इस, ये भी ये फोन में देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर में भी देखते हैं, तो ये मूवी फाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड, यू पोजीशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ड्रैग माउस व्हाइल होल्डिंग बटन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच, देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, फिजिकली से रिलेटेड क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर फिजिकली की बात होगी तो हम हार्डवेयर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजबल ऑप्टिकल डिवाइस विल टाइपिकली हैव द एसिंक्रोनस, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इसे ऑप्टिकल डिवाइस स्टोरेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, एसिंक्रोनस, देखो इसका आंसर होगा RW यानी री राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन, देखो कंप्यूटर का जो डेफिनेशन होता है ना उसको कहा जाता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हु एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस डेटा कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन, इनमें से क्या ऑप्शन है जिससे इन्फॉर्मेशन बनता है, देखो डेटा को बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल के अंदर क्या आता है, अगर यहाँ पे हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे, देखो डेटा में आ जाएगा नंबर अल्फाबेट और सिंबल, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल द कंप्यूटर एक्वायर डेटा फ्रॉम सम रिसोर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे आंसर रहेगा स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा यहाँ पे इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर LED है, मॉनिटर की बात हो रही है, ये मॉनिटर है सेंटर, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट इन शॉर्ट फॉर, देखो बिट का छोटा जो यूनिट होता है इसको कहते हैं बाइनरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश, तो देखो एरो की, सो हम लेफ्ट राइट अप डाउन करते हैं, स्पेस से क्या करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं, यहाँ पे जो एस्केप की होता है जो कंप्यूटर के सबसे ऊपर की में लेफ्ट साइड में होता है, वो उससे क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है इसको हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कमांड दैट टेक्स, देखो लिखा है यहाँ पे द कमांड दैट टेक्स व्हाट हैज बीन टाइप इनटू द कंप्यूटर एंड कैन बी सेंड ऑन द स्क्रीन एंड सेंड इनटू द प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेपर, देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंट कमांड जब हम देते हैं तो क्या होता है, वो कोई भी मैटर प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज अ कंप्यूटर एड एंड कंपेयर इट्स डेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी CPU, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि वेयर डज अ कंप्यूटर एड कंपेयर इट्स डेटा, तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑन एंड इंटरनेट आर आइडेंटिफाई बाई, देखो कंप्यूटर इंटरनेट को हम पहचानते कैसे, स्ट्रीट एड्रेस से नहीं हो सकता, ईमेल एड्रेस नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ, देखो लिखा है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखो जो है हेक्साडेसिमल होता है इसमें 10 नंबर होता है और 10 के बाद जब यानी 0 से लेकर के 9, देखो यहाँ होता है 0 से लेकर के 9, इसके बाद होता है अल्फाबेट A से लेकर के F, ठीक है, देखो 0 से लेकर 9 तक 10 हो जाएगा टोटल, और
यहाँ पे हो जाएगा ये 6, यानी ए से लेकर के जैसे ए को बोलते हैं 10, बी को बोलते हैं 11, इस तरह से एफ को बोलते हैं हम लोग 16, तो 10 से 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे केयर करना, लिखा है द हेक्साडेसिमल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ सिंबल, इसमें क्या होता है ऑप्शन 0 से लेकर के 9 और ए से लेकर के एफ तक होता है, तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, देखो इसमें से क्या ऑप्शन होता है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी यहाँ पे ऑपरेशन सिस्टम नहीं है, ये ऑप्शन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ लिखा है बहुत ही सिमिलर होगा, इसे यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं रहेगा, इसको इरेज कर लेते हैं। देखो बहुत ही सिमिलर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU स्टैंड फॉर, तो ALU का अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका आंसर ये रहा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, ऑक्टल नंबर में क्या होता है, ऑक्टल मतलब 8, 0 से लेकर के 7 तक नंबर, यानी ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज ऑन मोबाइल फोन्स, देखो मोबाइल फोन में हम क्या क्या यूज करते हैं, जो ये विस्टा होता है ये कंप्यूटर में, XBB कंप्यूटर में, तो यहाँ पे ऑप्शन है मोबाइल फोन में हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल इज अ, तो एक्सेल को हम बोलते हैं स्प्रीड सीट प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉलम प्रोग्राम, स्प्रीड सीट प्रोग्राम, यहाँ लिखा है स्प्रीड सीट प्रोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा एक्सेल इज अ स्प्रीड सीट प्रोग्राम, तो आंसर ये रहेगा स्प्रीड सीट प्रोग्राम। ये रहा वीडियो का इन, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड लोग को भी आप शेयर कर सकते हैं, और इसे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।